तो वो कौन सा जॉब करे। ऐसा तो नहीं है कि सब एम ई किया हुआ है, सब पायलट किया हुआ है, बहुत सारे जॉब ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है फिर भी आप जॉब ले सकते हो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, माई नेम इज़ राजीव रंजन एंड यू आर वॉचिंग डेविएशन माइंड। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में, बहुत ही अच्छे एयरलाइंस में वैकेंसी के बारे में। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक वैकेंसी आया है, यानी कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया है, ड्राइवर डिपार्टमेंट वैकेंसी आया है, लोडर डिपार्टमेंट वैकेंसी आया है, केबिन क्रू डिपार्टमेंट वैकेंसी आया है। तो बहुत ज़्यादा मजेदार आज का वीडियो होने वाला है यार, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपको फुल इन्फॉर्मेशन फुल नॉलेज देने वाला हूँ इसके बारे में। जो अगर आप चाहते हो इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड टाइम टू टाइम वीडियो आपको मिलता रहे, जेट एयरवेज से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे, प्लीज़ रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, वही आपको नोटिफाई करता है कि मेरा वीडियो रिलीज हो चुका है और आप देख सकते हैं। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रिटिश एयरवेज के वैकेंसी के बारे में। जी गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि भाई आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाओ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी उसके लिए वीडियो बनाओ, तो आज बहुत ही सटीक वीडियो आपके लिए है। सो गाइस, आप में जो लोग भी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, लोडर बनना चाहते हैं, केबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो ब्रिटिश एयरवेज ने ऑफिशियल साइट पे बहुत सारे वैकेंसीज आउट की हुई हैं। आपको करना बस ये है कि आपको जाना है ब्रिटिश एयरवेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप नहीं जा सकते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूँ वहाँ से जाके आप सीधे अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको किसमें इंटरेस्ट है। और गाइस, अगर मैं बात करूँ ब्रिटिश एयरवेज के जॉब वैकेंसीज का, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए है, किस किस लोकेशंस के लिए है, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है, आइए देख लेते हैं। सो गाइस, अगर बात करें सबसे पहला वैकेंसी का, तो ये एयरक्राफ्ट मैकेनिक का वैकेंसी है। जी गाइस, तो आप में से जो भी थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो, यानी कि एक या दो साल एक्सपीरियंस हो, तो आप इस पोस्ट के लिए, यानी कि एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट से। और बात करें दूसरे वैकेंसी की, तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, जी गाइस, आपके पास 4 या 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है, आप एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन कैटे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट गाइस, आप में से जो एकदम फ्रेशर हो, वो भी कोशिश करो अप्लाई करने का, हो सके कि आपका भी चांस बन जाए। और गाइस, जो थर्ड वैकेंसी है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए है, यानी कि एयरक्राफ्ट लाइसेंस इंजीनियर बोलते हैं इंटरनेशनल में, तो उसके लिए वैकेंसी है। तो आप में से जिनके पास भी लाइसेंस है एयरबस A320 का या कोई भी एयरलाइंस का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अपना जो लक है उसको आजमा सकते हो, हो सकता है कि ब्रिटिश एयरवेज आपको मौका दे दे। और गाइस, जो फोर्थ वैकेंसी है, वो आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हो कि भाई आप सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वैकेंसी बताते हो, आप क्रू डिपार्टमेंट से वैकेंसी नहीं बताते हो, तो लो मैं बता दिया, केबिन क्रू में अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप बनना चाहते हो केबिन क्रू, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो आप केबिन क्रू जाके देख सकते हैं क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज की ऑफिशियल साइट पे आपको फुल डिटेल दिया हुआ है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बात करें अपने लास्ट वैकेंसी का, तो यार जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है बट उनको एविएशन में इंटरेस्ट है, तो वो कौन सा जॉब करे। ऐसा तो नहीं है कि सब एम ई किया हुआ है, सब पायलट किया हुआ है, बहुत सारे जॉब ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है फिर भी आप जॉब ले सकते हो। जी हाँ गाइज, तो कार्गो हैंडलिंग एजेंट और ड्राइवर का भी वैकेंसी निकला हुआ है, तो आप समझ सकते हो। तो आप में से जो लोग भी एडमिशन में इंटरेस्टेड हो, ITI डिप्लोमा कुछ भी किए हो, तो आप जाओ एक बार अप्लाई करो। अप्लाई करने में क्या जाता है यार, अप्लाई करने में बस 2 मिनट समय लगता है कि फटाफट अप्लाई कर दो, हो सकता है। ऐसे मैं बहुत सारे लोग देखा हूँ जो मजाक में अप्लाई कर दिए हैं, कॉल भी आ गया, अभी ज्वाइन भी कर लिए, तो लक कब किसका बदल जाए ये कुछ नहीं कर सकते। सो गाइज, जैसे हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप चाहते हो डेली मैं आपके साथ इस तरह का अपडेट्स दूं एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड सैलरी से रिलेटेड, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, कोई वीडियो आप मिस ना करो। और हाँ, आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, अगर इस वीडियो में कुछ क्लियर नहीं हुआ, कुछ पूछना चाहते हो आप जो मैं नहीं बोल पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हो, बट मोर अटेंशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और फॉलो करने के बाद आप अपना जो कमेंट है वो पूछ सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टिव हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं आंसर दे भी चुका हूँ, और कुछ कुछ लोग आंसर्स बचे हुए हैं देने के लिए, तो आप भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो कम ऑन, मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और गाइस, हां, एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूं, आप में से जिन लोगों को भी ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, यानी कि लाइफस्टाइल ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग देखना पसंद है, मेरा एक चैनल है राजीव रंजन ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाइए। और मेरे लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कहां रहता हूं, क्या करता हूं, कहां जॉब कर रहा हूं, क्या है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो, उस चैनल पे मैं आपको एंटरटेन करता हूं, आप मतलब मस्ती मजाक चलते रहता है, तो जाइए उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी, सी यू, जय।